आरसे एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। क्लास 12 आर्ट, आज हम पाठ नंबर 16 में जो आपको जहां तक पढ़ाया गया था उसी से आगे टॉपिक शुरू कर रहा हूं, जिसमें जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आज हमें मालूम है कि जल मानव की दूसरी महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि प्रथम आवश्यकता जिसे हम प्राण वायु के रूप में कहते हैं और उसके बाद में नंबर 2 जल का आता है। आज देखिए, भारत जैसे देशों में जल की कमी प्रतिदिन होती जा रही है। यदि इसका हम एक बारीकी से अध्ययन करें तो आने वाले समय में यदि इसी प्रकार से जल की कमी होती रही तो हमारे सामने एक विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कहा गया है जल है तो कल है, अन्यथा आने वाला कल भी नहीं होगा। इसलिए हमें जल के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। जहां बताया गया है कि मानव का जो उपयोग है उस उपयोग के लिए हमें एक शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, और यदि एक मानव के शरीर के आधार पर देखा जाए तो जिसमें 95% के लगभग उसमें H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात जल के रूप में पाया जाता है। आज भारत के हर क्षेत्र में इस जल की मांग बढ़ती जा रही है। इसे जल का उपयोग करने के लिए हमें यानी एक नई से नई तकनीकी का उपयोग करना होगा, और उसके लिए हम सभी को एक जागरूक होना होगा। आगे देखा गया है कि यहाँ भारत के जो उत्तर और पश्चिम जो क्षेत्र हैं उन उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में दक्षिण राज्यों की तुलना में जल की विशेष कमी पाई गई है। जहाँ देखा गया है कि यहाँ भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों मानसूनों के द्वारा हमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध, अर्थात इनसे वर्षा होती है, लेकिन इनका पूरी तरह से संग्रहण न हो पाने के कारण और यहाँ जो वर्षा है वो बहुत अच्छी हो पाती है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। यहाँ जल की प्राप्ति के मुख्य स्रोतों के आधार पर यदि निर्धारण किया जाए तो जिसमें उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जल की कुछ विकट स्थितियों को देखते हुए और काफ़ी अंतर पाया गया है। तो इसी जल की उपलब्धता के आधार पर यदि हम देखें तो जिसमें भारत में जल संसाधन की क्या उपलब्धता है, तो आगे टॉपिक हम अध्ययन करते हैं भारत में जल संसाधन की उपलब्धता। भारत में जल संसाधन की उपलब्धता, तो देखिए भारत में अभी आपको जैसे जल के बारे में बता रहे थे तो उसी के आधार पर अगर हम देखें कि संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर H2O के रूप में पाया गया है, अर्थात जल पाया गया है, और इसके केवल 29% भाग पर यानी स्थल के रूप में पाया गया है। यदि इतने बड़े भाग पर
जल पाए जाने के कारण भी और यहाँ जल की कमी होती जा रही है, क्योंकि इसमें जो 71% जो जल है वो जल क्या है, एक खारा जल है, NaCl के रूप में पाया गया है। अर्थात इसमें जो नमक की मात्रा है वो बहुत अधिक होने के कारण और ये पीने योग्य नहीं है। इसमें यदि शुद्ध जल की मात्रा का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर 2.7% के लगभग क्या है, ये शुद्ध जल के रूप में है। अब 2.7% के बारे में भी यदि हम देखें तो ये जल भी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या है, समान नहीं है। और समान नहीं होने के कारण यह कहीं पर बहुत अधिक रूप में पाया गया है तो कहीं पर यह क्या है, बहुत कम रूप में पाया गया है। इसी कारण से राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं, इन उत्तर पश्चिमी राज्यों में रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण और साथ में यहाँ के का जल स्तर इतना नीचे गया जिससे कि इनमें पानी की समस्या जो बढ़ती जा रही है। इस पश्चिमी भारत के अंतर्गत अगर देखें तो राजस्थान, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें जल की समस्या होती रहती है। लेकिन यहाँ पर सन 1984 में राजस्थान नहर परियोजना या इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में या जो प्राचीन नाम इसको राजस्थान नहर परियोजना के रूप में जाना गया और सन 1984 में इसका नाम चेंज करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान की एक जीवन रेखा के रूप में मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी जो ज़िले हैं उन पश्चिमी ज़िलों में इस नहर के द्वारा जो कृषि के साथ साथ में पीने तक के जल की जो समस्या है इसी से दूर की जा रही है। इसी के साथ में यदि हम देखें तो राजस्थान के साथ साथ गुजरात राज्य में भी कुछ जल की कमी पाई गई है। इसी के आधार पर देखा गया कि भारत में इस जल संसाधन को दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है। राजस्थान राज्य में इस जल संसाधन को या जल के स्रोतों को दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर एक आता है धरातलीय जल और नंबर दो भूमिगत जल। जहाँ नंबर एक बताया धरातलीय जल, अब इस धरातलीय जल की भी अगर बात करें तो इस धरातलीय जल को किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, इसमें बताया गया कि यहाँ जो वर्षा की स्थिति अगर देखें, वर्षा उस वर्षा से क्योंकि धरातलीय जल के अंतर्गत इसका जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा के रूप में माना जाता है और इससे लगभग यानी जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है जिसमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इस धरातलीय जल के आधार पर ही निर्धारण किया गया है। इसमें वर्षण से प्राप्त
जल की मात्रा मात्रा 4000 घन किलोमीटर घन किलोमीटर के लगभग हैं। अब इसमें भी अगर हम निर्धारित करें तो 1800 × घन किलोमीटर यानी जो हमें वर्षण से जो प्राप्त जल की मात्रा कितनी थी 4000 घन किलोमीटर, और इस 4000 घन किलोमीटर में से केवल 1800 × घन किलोमीटर जल किससे प्राप्त हो रहा है, ये जल नदियों, अभी बताया कि 1800 × घन किलोमीटर जो जल है वो नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों, आदि से प्राप्त किया जा रहा है। यानी इसमें कितना बताया कि जो 1800 × घन किलोमीटर जल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, नदियों, झीलों, तालाबों एवं बांधों से प्राप्त किया जा रहा है। इसमें 1341 घन किलोमीटर, इसमें से 1341 घन किलोमीटर जल वाष्पीकरण और मिट्टी में, इसमें से 1341 घन किलोमीटर जल वाष्पीकरण और मिट्टी में नमी के रूप में चला जाता है। इसी के साथ में असंचित क्षेत्र में, यानी इसी के साथ में देखा गया कि असंचित क्षेत्र में 790 घन किलोमीटर जल हमारे पास शेष रूप में उपलब्ध रहता है। इस 790 घन किलोमीटर जल को अलग अलग रूपों में प्राप्त किया गया है। तो नंबर एक अभी आपको बताया कि धरातलीय जल, और नंबर दूसरा है अभी भूमिगत जल के रूप में, नंबर दो भूमिगत जल। भूमिगत जल यानी ये जो जल है जो हमें भूमि के अंतर्गत जिसमें दरारों आदि के माध्यम से प्राप्त होता है, इस जल का उपयोग भी यदि हम देखें तो कृषि कार्यों के अंतर्गत सबसे अधिक किया जाता है, जिसमें बताया गया कि इसका 92% उपयोग है कृषि कार्यों में, इसका 5% औद्योगिक कार्यों में एवं शेष 3% घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो भूमिगत जल है, उस भूमिगत जल जो भूमि के माध्यम से जिसमें उसकी जो दरारों आदि के अंतर्गत
जो प्राप्त होता है उस जल को क्या है, एक भूमिगत जल के रूप में कहा जाता है। और ये जो जल है ना, ये हम जो ट्यूबवेल के माध्यम से या कुओं आदि के माध्यम से और इसको क्या है बाहर निकालते हैं। तो इसी कारण से इस जल का जो उपयोग है सबसे बड़े स्तर के अगर रूप में देखें, जिसमें 92% के लगभग कृषि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका 5% है वो औद्योगिक कार्यों में किया जाता है और इसका शेष 3% इसको घरेलू कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। इसी आधार पर जो ये भूमिगत जल है वो इसका दूसरा मुख्य स्रोत माना जाता है। अब हम जो भूमिगत जल और धरातलीय जल के साथ साथ में यहाँ अध्ययन करेंगे कि जो भूमिगत जल का जो उपयोग है अन्य कार्यों में किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको बता दिया गया कि जिसमें 92% कृषि कार्यों में, 5% औद्योगिक कार्यों में और 3% घरेलू कार्यों में। आगे टॉपिक है सिंचाई। देखिए सिंचाई क्या है और इस सिंचाई का उपयोग क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत जैसे देशों में अगर देखें तो यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर केवल मानसून के समय अर्थात जो मई जून का जो महीना होता है उस समय जो हम खरीफ की फसल डालते हैं उसी समय यहाँ वर्षा होती है। शेष बचे हुए समय में यहाँ वर्षा न होने के कारण कृषि कार्य करने के लिए या फसलों को उत्पादित करने के लिए समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो हम सिंचाई की अगर एक परिभाषा के रूप में अगर देखें तो वर्षा की कमी या अभाव के कारण, वर्षा की कमी या अभाव के कारण, अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया या जल पहुंचाने की क्रिया वो क्या कहलाती है, सिंचाई के रूप में कहलाती है। क्या कहलाती है, वो सिंचाई के रूप में कहलाती है। आज सिंचाई की जो प्रणाली है वो प्राचीन समय की तुलना में पूरी तरह से ये बदल चुकी है, क्योंकि उस समय हम सिंचाई की जो विधियां अपनाते थे उनमें जल का बहुत अधिक उपयोग यानी हो पाता था और वो जल इतना अधिक व्यर्थ में चला जाता था जिसका कोई उपयोग नहीं होता था। इस कारण से आज इन सिंचाई की नई नई विधियों को अपनाया गया है जिसमें कम जल के अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र पर सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। आज देखें तो कृषक के पास उन विधियों को अपनाया गया है जिसमें चाहे वो फंवारा विधि के रूप में हो, चाहे वो बूंद बूंद विधि के रूप में हो, ये ऐसी विधियां हैं जिसमें कम जल के कारण और एक अधिक क्षेत्र में उसको उपयोग में लिया जा सकता है। तो पहली बात ये आती है कि हमारे यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता क्यों हुई, कि भारत जैसे देशों में कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसे क्या परिस्थितियाँ आई जिसके कारण यहाँ सिंचाई करनी पड़ रही है। तो इसमें से यदि हम देखें तो पहला कारण यह है कि भारत जैसे देशों में निरंतर जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों की मांग बढ़ती गई और मांग बढ़ती गई उसी कारण से जल की आवश्यकता हुई और जल की आवश्यकता हुई तो कृषि क्षेत्र में इस जल की कमी होती चली गई। इस कारण से उन फसलों को उत्पादित करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता हुई। नंबर दो, वर्षा की अनियमितता एवं बौछारों के रूप में होने के कारण भी, क्योंकि यहाँ भारत जैसे देशों को एक यहाँ मानसून का समय पर नहीं आने के कारण, कि क्योंकि यहाँ पर क्या है
भारतीय मानसून को यहाँ एक जुए के रूप में कहा गया है, और जुए के रूप में कहा जाने के कारण क्योंकि यहाँ मानसून कभी समय से पहले आता है तो कभी समय के बाद में आता है, और इसी वजह से कहीं पर यानी कभी वर्षा बहुत अधिक हो जाती है तो कभी वर्षा बहुत कम हो पाती है। जब वर्षा बहुत कम हो पाती है तो उस स्थिति में हमें सिंचाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होती है इसलिए हमें सिंचाई करनी पड़ती है। नंबर तीन, गहन कृषि एवं बहुफसलीकरण करने के लिए क्या करना होगा, सिंचाई की आवश्यकता होगी। गहन कृषि, गहन कृषि की बात करें जैसे गहन कृषि, अब गहन कृषि में क्या होता है कि जल की अधिक आवश्यकता होती है, जल की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। इसमें उन फसलों को उत्पादित किया जाता है जिसमें जल की आवश्यकता भी बहुत अधिक होती है, जैसे चावल, गेहूं आदि ऐसी फसलें हैं जिनको जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उस जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और फिर हमें क्या करना पड़ता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो उसमें सिंचाई करना जरूरी होता है। आगे भी अगर देखें, वर्षा का असमान वितरण भी क्या है कि सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है, कि कहीं पर ये वर्षा बहुत अधिक हो जाती है तो कहीं पर ये वर्षा बहुत कम हो पाती है। यदि भारत की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इतनी अधिक वर्षा हो जाती है जिसके कारण वहाँ बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन भारत के पश्चिमी राज्यों में अगर देखें जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, इन राज्यों में इतनी कम वर्षा हो पाती है जिसके कारण फसलों को पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसीलिए उनको किसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम देखें कि व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करने के लिए, व्यावसायिक फसलें यानी वे फसलें जो व्यापार के लिए उत्पादित की जाती हैं, अर्थात उन फसलों से हमें क्या है, अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त होती है, और मुद्रा प्राप्त होती है, नगद आय प्राप्त होती है, तो उसी के कारण फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उन फसलों को अच्छी पैदावार करने के लिए समय समय पर उसकी क्या करनी होती है, सिंचाई करनी होती है, इसीलिए उसकी आवश्यकता होती है। नंबर अगला, मिट्टी की प्रकृति व चरागाह के विकास के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। कैसे कि जो मिट्टी की जो प्रकृति है कि कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, और कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जिसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होगी तो इसी कारण से उसमें जल कई दिनों तक भरा रहता है, तो वहाँ जल की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। और साथ में ये भी देखा गया कि पशुओं का के लिए जो चारा आदि प्राप्त करने के लिए उनको क्या चाहिए, समय समय पर जल चाहिए उनका विकास करने के लिए, ताकि उन फसलों में वृद्धि होती रहे, और वृद्धि होती रहेगी तो क्या होगा उस समय, जल की आवश्यकता होगी। तो ये बताया गया है इस समय कि हमें जल की आवश्यकता क्यों है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसमें सिंचाई की जो आवश्यकता क्यों हो रही है। आगे टॉपिक देखते हैं इसमें कि हमें सिंचाई के साथ साथ में देखा गया कि सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। अब भारत की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर ऐसी विधियों को अपनाया गया है जिसमें अधिक से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई का कार्य किया जाए, कृषि कार्य किया जाए, और यदि अधिक से अधिक क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंचाई के साधनों को अपनाना पड़ेगा, और जब सिंचाई के साधनों को अपनाना पड़ेगा तो उसके लिए ऐसे साधन अपनाए जाने चाहिए जिसमें जल की पूरी तरह से यानी जल का पूरी तरह से क्या हो सके, सदुपयोग हो सके। तो अब हम अध्ययन करते हैं सिंचाई के साधन।
सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधनों में देखिए, सिंचाई के साधनों को यहाँ पर क्या किया कि दो भागों में बांटा गया है। सिंचाई के साधनों को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर एक आता है धरातलीय जल। नंबर एक कौन सा है? धरातलीय जल। और नंबर दूसरा आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल, धरातलीय जल को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर धरातलीय जल को कितने भागों में? दो भागों में, जिसमें नंबर एक नहरें, नंबर एक नहरें और नंबर दो तालाब। अब देखिए, यहाँ पर पहले इसी धरातलीय जल का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें धरातलीय जल को दो भागों में बांटा, नंबर एक नहरें और नंबर दूसरा तालाब। अब नहरों को भी यहाँ दो भागों में बांटा गया है। नहरों की भी बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, नित्यवाही, नित्यवाही और अनित्यवाही। नित्यवाही का मतलब वे नहरें जो प्रतिदिन या पूरे वर्ष भर क्या होती हैं, बहती हैं, ऐसी नहरों को नित्यवाही नदियों का, नित्यवाही नहरों के रूप में कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान की कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये कौन सी है? अनित्यवाही नहरों में। इसी प्रकार से ये तो कौन सी आ गई? नित्यवाही नहरों में। और नंबर दूसरी कौन सी है? अनित्यवाही नहरें जो केवल किसमें? मौसम ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही क्या होती हैं, वो बहती हैं। उसके बाद में नंबर दूसरा आता है इसी का, जैसे तालाब। तो तालाब की बात करें तो इनको भी यहाँ दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्राकृतिक और नंबर दो कृत्रिम। देखो, तालाब की बात है कि यहाँ नंबर एक तो कौन सा है? प्राकृतिक। और नंबर दूसरा कौन सा है? कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा अपने आप बना हुआ हो, ऐसे तालाबों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक तालाब के रूप में। और नंबर दूसरा कौन सा है? कृत्रिम तालाब, अर्थात वे तालाब जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो, जिनका निर्माण केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो, ऐसे जो तालाब हैं वो कौन से हैं? कृत्रिम तालाबों के रूप में हैं। नंबर दूसरा आता है यहाँ पर जो मुख्य यानी जो सिंचाई के साधनों में, पहला तो कौन सा था? धरातलीय जल, और नंबर दूसरा है भूमिगत जल। अब इस भूमिगत जल की भी बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक आता है इसमें कुएं, और नंबर दूसरा आता है नलकूप। कुएं और नंबर दो नलकूप। अब कुओं की बात करें तो कुएं भी इनको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पक्का, पक्का कुआं, और नंबर दो कच्चा, कच्चा कुआं। इसी प्रकार से यहाँ नलकूप की भी बात करें तो इन नलकूपों को भी यहाँ कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक खुले और नंबर दो बंद। नंबर एक कौन सा बताया? खुले, और नंबर दो बंद। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, सिंचाई के साधनों के वर्गीकरण की बात करें तो सिंचाई के साधनों के वर्गीकरण को यहाँ दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें से नंबर एक धरातलीय जल और दूसरा भूमिगत जल। तो इसमें धरातलीय जल को दो भागों में, नंबर एक नहरें और नंबर दूसरा
तालाब, यहाँ नहरों को भी दो भागों में बांटा, नंबर एक नितवाई नहरों के रूप में और दूसरा अनितवाई नहरों के रूप में। नितवाई का मतलब क्या है कि वे नहरें जो सदा बहती रहती हैं या पूरे वर्ष भर बहती रहती हैं, जिनमें जल आता रहता है। लेकिन नंबर दूसरी बात करें अनितवाई नहरें, वे नहरें जो केवल वर्षा ऋतु में ही क्या होती हैं, बहती हैं, ऐसी नहरों को अनितवाई नहरों के रूप में कहा जाता है। इसी प्रकार से जैसे धरातलीय जल का दूसरा भाग था तालाब, तालाब भी दो हैं, दो प्रकार के हैं, जिसमें एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक को जैसे प्रकृति के द्वारा अपने आप बना हुआ है और दूसरा कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। और अपन इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तालाबों का निर्माण केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा भी किया गया हो। अब उसके बाद में आता है इसका दूसरा मुख्य भाग जिसमें भूमिगत जल। भूमिगत जल को यहाँ दो भागों में बांटा, नंबर एक कुएं और नंबर दूसरा नलकूप। अब कुएं भी कितने भागों में, यहाँ पक्का कुआं या अर्थात ऐसे कुएं जिनका निर्माण यानी सीमेंट आदि से किया गया हो और वो पक्के रूप में निर्मित हैं, तो वो क्या है, पक्का कुआं। और जो केवल मिट्टी के से ही निर्मित है, ऐसे कुओं को कच्चा कुएं के रूप में कहा गया है। उसके बाद में नलकूप, इस नलकूप के भी दो भाग हैं, जिसमें एक खुले रूप में और दूसरा बंद रूप में। तो देखिए विद्यार्थियों, आज अपन इस टॉपिक में इतना ही अध्ययन करेंगे, यानी आज आपको सिंचाई के साधनों के वर्गीकरण तक बता दिया गया है और इसको आपको याद भी करना है ताकि आपको इसके साथ साथ याद भी होता रहे और फिर आगे का टॉपिक आपको कल करवाएंगे।